और आइए बढ़ते हैं आगे, बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। ज्ञानवापी से बड़ी खबर, व्यास जी के तहखाने में पूजा से जुड़ी खबर सामने आई और ट्रेजरी से व्यास जी तहखाने में मूर्तियां लाई गई। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जिसमें गणेश जी की खंडित मूर्तियों को व्यास जी के तहखाने में लाया गया और वाराणसी व्यास जी के तहखाने में एसआई के सर्वे के दौरान ये मूर्तियां मिली थी। 10 में से 8 मूर्तियां ट्रेजरी से वापस तहखाने पहुंचाई गई है। डीएम की कस्टडी में साक्ष्य के लिए मूर्तियां रखी गई हैं। तो देखिए यहां पर हिंदू पक्ष की खुशियां आप कह सकते हैं वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि एक तरफ तो पूजा पाठ जो सार्वजनिक रूप से यहां पर करवाई गई डीएम की मौजूदगी में, उसके बाद अब हर दिन प्रतिदिन विधि विधान से पूजा पाठ का यहाँ सिलसिला शुरू हो चुका है और दूसरी तरफ अब व्यास जी तहखाने में जो मूर्तियां लाई गई हैं उससे भी पूजा पाठ करने आए दूर दराज से लोगों के मन में उत्साह है। तो ज्ञानवापी विवाद में जब से हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार मिला तभी से मुस्लिम पक्ष की बेचैनी बढ़ गई। लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा रहा है, हर हाल में पूजा पर रोक लगाने की मांग हो रही है, लेकिन इस कानूनी लड़ाई में मुस्लिम पक्ष को झटके पे झटके लग रहे हैं, जिसके बाद अब भड़काऊ बयानबाजी शुरू हो चुकी है। देखिए रिपोर्ट। सनातन आस्था के पवित्र स्थल पर 31 साल बाद पूजा हो रही है। पांचों पहर भगवान की आरती उतारी जा रही है और प्रभु के दीदार के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। ये उस जीत की खुशी है जो सनातनियों को वर्षों बाद मिली है, लेकिन मुस्लिम पक्ष को ये बात हजम नहीं हो रही है। लोअर कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा रही है और सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की जा रही है, लेकिन किसी भी कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को राहत नहीं मिली। यहां तक कि हाई कोर्ट ने भी मुस्लिम पक्ष को फटकार लगाई। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर हाई कोर्ट ने सवाल उठाए, साथ ही हाई कोर्ट ने कहा व्यास तहखाने में पूजा जारी रहेगी और अब हाई कोर्ट में 6 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। दरअसल इंतजामिया कमेटी ने अपील दाखिल करते हुए जिला जज के 31 जनवरी के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। ऐसे में अब मुस्लिम लॉ बोर्ड ने कोर्ट के फैसले पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं, साथ ही अयोध्या का भी जिक्र किया। इस वक्त जिस तेजी के साथ ये मसाइल उठे हैं उनसे ये महसूस होता है के कानून को सामने रख कर फैसला करने की जिम्मेदारी जिन कोर्टों के ऊपर है वहाँ ऐसी लचक और ढील पैदा हुई है। ज्ञानवापी में पूजा के खिलाफ हो रहे विरोध के दरमियान सुरक्षा व्यवस्था चौक चौबंद है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल मुस्तैद है और किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए पुलिस बल को अलर्ट रखा गया है। राजनीतिक दल हैं जो विभिन्न प्रकार के जो संप्रदाय हैं उनको भड़काने की बात करते हैं। 1993 से पहले जो ये क्षेत्र है जहां पर पूजा शुरू हुआ है ज्ञानवापी में, तो वहां पहले भी पूजा होती थी। समाजवादी पार्टी की सरकार 93 थी तो वहाँ पूजा बंद हो गई थी। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त से ही 3:30 बजे जो मंगल आरती हुई तब से ही दर्शनार्थियों की भीड़ उमड़ी चली आ रही है और खासतौर से यह गौरवशाली क्षण, यह खुशी के पल जो 31 साल के बाद आया हुआ है, हम लोग हर्षित हैं, सभी समाज हर्षित है। यानी जिस विवाद को खत्म करने के लिए कोर्ट में लड़ाई लड़ी जा रही है उसमें हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हो चुकी है। ऐसे में अब उस फैसले का इंतजार है जब एएसआई सर्वे के आधार पर कोर्ट का फैसला आएगा और सबूतों के आधार पर जीतने वाले पक्ष को ज्ञानवापी सौंप दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज 18।